फिर मैदान महशर होगा, सारे अपने कुबूर से निकलेंगे। आज फैसले का दिन होगा, ये डे ऑफ जजमेंट है। जिसको आपने गाली दी थी, जिसको आपने मारा था, जिसको घूर कर देखा था, जिसका हक दबाया था, जिनके माल दबाकर बैठे हुए थे, जो अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, आज उसके हिसाब का वक्त आया है। बदन कांप रहे होंगे, इंसान पसीने पसीने होगा, जन्नत भी सामने होगी और जहन्नम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। उस वक्त में फर्क पता चलेगा। जिनका आप मजाक उड़ाते ना, आज दाढ़ी वाला नौजवान निगाहें झुकाकर सब खेल कूद छोड़कर मस्जिद में जा रहा है, और आप समझते हैं बेवकूफ और बुद्धू हैं इस दौर के। अबे भाई, इंजॉयमेंट करो यार, 4 दिन की जिंदगी है। ये मैदान महशर में पता चलेगा। नेक आदमी को अर्श का साया मिलेगा, उसे VVIP प्रोटोकॉल मिलेगा। नबी करीम अपने नूरानी हाथों से हौज़े कौसर के छलकते जाम पिलाएंगे, उसके सीधे हाथ में अमालनामा दिया जाएगा। कुरान कहता है कि जब सीधे हाथ में अमालनामा अमाल मिलेगा, वो अपने करीबी लोगों के पास आएगा और कहेगा कि देखो, मैं तो पहले ही जानता था अल्लाह ताला मुझे सीधे हाथ में नामा अमाल देगा। उसको हुक्म होगा जन्नत में जाओ। अब आएगी हमारी बारी, अब आएगी फ्रॉडियों की बारी, अब आएगी अल्लाह की नेमत खाकर उसके दुश्मन शैतान की इताअत करने वालों की बारी, अब आएगी उनकी बारी जो उलमा के कौल सुनकर नाराज होते थे लेकिन नफ्स की गुलामी में शेर थे। वो जब वहां पहुंचेंगे हिलते कांपते हुए, अगर अल्लाह नाराज हुआ, जहन्नम में जाने का फैसला होगा। हदीस गौर से सुनिएगा। आपके नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा से, सहाबा क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन होता है, कंगाल मुफलिस? सहाबा किराम ने अर्ज़ की, हम तो कंगाल उसको कहते हैं जिसके पास ना दराहिम और ना दनानीर। सरकार ने फरमाया लेकिन मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो बरोज़े क़यामत बहुत सारी नेकी लेकर आएगा, ज़कात भी होगी, नमाज भी होगी, हज भी होगी, सदक़ात भी होंगे, लेकिन इसने किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का हक दबाया होगा, किसी के साथ और दूसरे मामलात किए होंगे, तो इसकी कुछ नेकियाँ ये ले जाएगा, कुछ नेकियाँ ये ले जाएगा, कुछ नेकियाँ ये ले जाएगा, हत्ता कि इसके नाम अमाल में कोई नेकी नहीं रहेगी, तो अल्लाह ताला इसको जहन्नम में डलवा देगा। और एक रिवायत में फरमाया अगर तुम पर किसी का हक है तो दुनिया में दे दो, वरना मैदान माशर में तुम्हारी नेकियां दूसरों को दी जाएंगी, और इससे हिसाबो किताब पूरा नहीं होगा तो उनकी बुराइयां निकालकर तुम्हारे नाम अमल में डाल दी जाएंगी, और ऐसा आदमी भी जहन्नम में डाला जाएगा। तो मेरे बच्चों, हम मुसलमान हैं, हम सहीउल अकीदा मुसलमान हैं। मौत कब आएगी हमें नहीं पता, अल्लाह ने मामला मख्फी रखा है। हो सकता है ये मेरा आखिरी बयान हो, इसके बाद मुझे बयान का मौका ना मिले, और ये हो सकता है आपका आखिरी बयान हो, अब आपका जनाजा ही उठने वाला हो। सोचिए फिर अल्लाह की बारगाह में जाकर इस मौजूदा जिंदगी का कैसे हिसाब व किताब देंगे। खुदारा अपने नबी की तलकीनात को सुने और उनकी फरमाबरदारी की तरफ आए। आपके नबी ने फरमाया हर शख्स के 3 दोस्त होते हैं, एक की दोस्ती जैसे ही मौत होती है खत्म हो जाती है, दूसरा कब्रिस्तान तक साथ होता है जैसे कब्र में दफनाते हैं, इसकी दोस्ती भी खत्म, और तीसरा कब्र में भी साथ होगा और मैदान महशर तक भी साथ रहेगा, हद तक जन्नत दोजख तक। फिर तफसील बयान की, फरमाया उसका पहला दोस्त उसका माल है, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल, आपके लिबास, आपके जूते, आपका पैसा, बैंक बैलेंस, ये आपका पहला दोस्त है। जैसी मौत आई रिश्ता खत्म, सब चीजें अब किसी और की हो गई। दूसरा फरमाया इसका दोस्त होते हैं जो दोस्त अहबाब और रिश्तेदार हैं, ये कब्र तक साथ होते हैं लेकिन जैसे कब्र में डालते हैं इनकी दोस्ती भी खत्म, ये भी वापस आ जाते हैं। तीसरा फरमाया दोस्त नेक या बुरा अमल है जो कब्र में भी साथ होगा आखिरत में। अब आप अंदाजा करें कि आप किसी जहाज में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, हमने भी किए हैं, बाद में बातचीत शुरू हो जाती है तो बस लिमिटेड बात करते हैं, भाई आप कहाँ रहते हैं, ये वो दो चार उसने सवाल किए, हमने कर लिए, ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाते, हमें पता है इसके साथ आर्जी है। लेकिन अगर अपने रिश्तेदार हों तो उनके साथ तो घुल मिल के बात करते हैं, घर आते हैं तो तवील उनके साथ रहना वो अलग रवैया हो जाता है। ऐसे सोचिए जिसके साथ आपकी दोस्ती मुख्तसर सी है उससे कम दिल लगाएं। मैं नहीं कहता आप माल ना कमाएं, हलाल माल कमाएं, इसके हलाल कमाना इबादत, लेकिन इस दुनियावी मशागिल के अंदर इतने ज्यादा मसरूफ ना हो जाए। जैसे आप मरेंगे सब खत्म हो जाएगा, आप घंटों घंटों हेयर स्टाइल सेट करते रहते हैं, आप महंगे महंगे लिबास लेकर आते हैं मुतासिर करने के लिए, अपने जाहिर को संवारते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे मरेंगे आपके मूछे ऊँचे कोई काम नहीं आएंगे, ये सब पड़ंग नीचे गिर जाएंगे, साफ हाल खराब होगा। 4 दिन बाद माँ देख ले तो चीखे मार के भाग जाए आपके पास से, हशर ये होने वाला है कब्र के अंदर, क्योंकि आंखें बहकर बाहर आ जाएंगी, नाक फट जाएगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, सारे झड़ जाएंगे, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा ऐसे गलाजत और इतना गंदा हो जाएगा आदमी कि देख के लोग कानों को हाथ लगाएंगे। और इसके बाद जितने दोस्त अहबाब जिनके लिए आप अल्लाह को बुलाए बैठे, रसूल को बुलाए बैठे, मैं गारंटी से कहता हूं आप में बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गुनाह करते हैं, उनको राजी करने के लिए कि नहीं यार दोस्त नाराज हो जाएगा,
कभी सिगरेट पीते हैं, कभी लड़कीबाजी करते हैं उसके साथ, कभी गंदे मकामात पे जाते हैं, कभी नाजायज अफाल में उसके साथ तआवुन कर रहे होते हैं। क्यों? ये दोस्त नाराज ना हो जाए। अल्लाह नाराज हो कोई बात नहीं, रसूल नाराज हो कोई बात नहीं, आखिरत बर्बाद हो कोई बात नहीं, ये नाराज नहीं होना चाहिए। ये आपको जन्नत में लेकर जाए। जैसे ही आप मरेंगे इसकी दोस्ती खत्म। जितने यहां पे वालिद साहब बैठे हैं और वालदा मुझे पर्दे में सुन रही हैं, मैं आपसे कहता हूं आज अपने बच्चों से जाके पूछिएगा जनाजे का तरीका बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये करें कि जनाजे की दुआ सुनाओ हमें जरा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके बच्चों को ना जनाजे की नमाज आती है ना दुआ आती है। सोचिए अगर आज आप मर जाए तो आपके औलाद तो इस काबिल भी नहीं है, आप इस काबिल नहीं है कि अपने वालिद साहिब का जनाजा पढ़ सके। हमने देखा है दूसरे जनाजा पढ़ रहे होते हैं, बेटा तकबीर लगाकर दाएं बाएं देखता है जैसे लोग कर रहे वैसे करता है, और नियत क्या करता है, जो नियत इमाम की वो मेरी, उसे नियत तक करनी नहीं आती। और ऐसे अपने दोस्तों से पूछिए जिनका आप धुनछल्ला बनाए हुए हैं ना, कि मां अगर कहे बेटा काम कर दे मेरा, तो मां की दिल आजारी कर देंगे एक दफा, लेकिन बाहर से अगर दोस्त की आवाज आ जाए अकरम यार आजा चलते हैं, तो मां को नाराज करके उसके साथ निकल जाएंगे कि नहीं दोस्त नाराज ना हो जाए। इनसे पूछें जाकर, इनसे वादा ले कि अगर आज मैं मर जाऊं कितनी मरतबा आओगे मेरी खबर पर। मुझे यकीन झूठा वादा होगा, कर लेंगे झूठा वादा होगा, एक दफा भी नहीं आएंगे आपकी खबर पर, ये जनाजा तक नहीं पढ़ेंगे। मैंने ऐसे ऐसे जनाजे देखे, मैं बड़ा मुशाहदा का बहुत गहरा मुशाहदा रखता हूं। जिगरी यार साइड में खड़े हुए हैं, लोग जनाजा पढ़ रहे हैं और उनसे पूछे क्यों नहीं पढ़ रहे, वो जी नापाक हैं। ऐसे नापाकों से दोस्ती रखते हैं आप कि जो आपके जनाजा तक पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्या होगा फिर? इसलिए खुदारा अल्लाह उसके रसूल की इताअत की तरफ आइए। सहाबा किराम अलम और रिदवान अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल क्यों है, इसकी वजह बताऊं। अगर मैं कहूं वो आशिकान रसूल थे, आप कहेंगे यस, और सबसे बड़े आशिक रसूल थे, आप कहेंगे यस, तो उनके इश्क की अलामत सबसे बड़ी बताओ क्या थी? दोनों का एक ही जवाब होगा, नबी की इताअत। सरकार की जबान से हुक्म निकला, अल्लाह के नबी का हुक्म है, किसी मामूली शख्स का हुक्म नहीं है। फौरन या रसूलल्लाह हाजिर है, हुक्म फरमाए, जान कुर्बान कर लूं, जान देंगे, अलाका छोड़ना है, बिरादरी छोड़नी है, सब छोड़ देंगे। मुहाजिर सहाबा ने देखे सब छोड़ दिया, मदीने आए, अंसार साहबा से फरमाया आधा माल अपने मुहाजिर भाई को दो, आधा माल दे दिया, कुर्बान कर दो अपने आप को, जाने कुर्बान कर दी सरकार के कदमों पर। तो ये दीन जिंदा है। हम जैसे निकम्मे होते तो शायद अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम इसी हालत में होते। सोचिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को क्या मकाम मिला और हमारी हालत क्या है। इसलिए मेरे भाइयों आइए, इताअत के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके नाम अमाल में कबीरा गुना लिखे जाते रहे और मौत का फरिश्ता आ गया और तौबा की तौफीक भी ना मिली, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कोई और दुनिया ऐसी नहीं है जिसमें आप अल्लाह के नबी की इताअत करके रास्ता पालें। मुरव्वत की तरफ आए, मुरव्वत की तरफ। मैं आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं फिर अपना बयान खत्म करता हूं। एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटे को बाप जो हुक्म देता है वो पूरा करता है। अगर रात के 2:30 बजे भी काम से भेज दे वो जाता है, काम करके आता है। अगर बाप कहे बेटा मेरे पास बैठ जा, और बेटे का दिल चाह रहा है दोस्तों के पास जाने को, कहता है नहीं मैं दोस्तों को बाद में देखूंगा, मेरे वालिद साहब हैं उनके पास बैठ जाता, हर हुक्म मानता, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल करता। और एक दूसरा बेटा है जो अपने बाप की कोई बात नहीं मानता, ना जज्बात का ख्याल, ना एहसास, ना फीलिंग्स का ख्याल। बाप कहे मेरे पास बैठ जा बेटा, तेल से बातें करने को दिल चाह रहा, कहता है अब्बा जान मैं बोर होऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के पास, और हर चीज में नाफरमान। आप बताएं इनमें अच्छा कौन है बुरा कौन है? जोर से बोलो, बोले अच्छा कौन है बुरा कौन है? ये वाला, ये वाला, पहले वाला। अच्छा ये बताइए, पहले वाला बाअदब है या ये बाअदब है? क्या कहेंगे ये? अच्छा ये बताइए कि पहले वाला किसी बेअदबी का इर्तिकाब कर रहा है या दूसरा वाला कर रहा है? दूसरा वाला बेअदबी क्या है मुझे बताओ, ये कौन सी बेअदबी कर रहा है? क्या बेअदबी देखी आपने इसके अंदर, मुझे बताएं ना, जवाब दें, क्या बेअदबी है? ये वाले साहब का कहना नहीं मान रहा, बस ये मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी दो तरह के हैं। एक वो कि जब अल्लाह के नबी हुक्म फरमा दे, जब वो ये महसूस करे कि मेरे आका इसे पसंद करते हैं, फिर हुक्म दे या ना दे, अगर वो ये देखता है कि मेरे आका एक चीज को नापसंद करते हैं, उसके बारे में हुक्म मौजूद हो या ना हो, हुक्म मानता है, पसंद को इख्तियार करता है और नापसंद को छोड़ देता है। ये है फरमाबरदार, ये है बादब। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को सुनकर फिर अपने नफ्स से सवाल करता है, अपनी बीवी से पूछता है, अपने बाप से पूछता है, अपनी मां से पूछता है, शैतान से मशवरा करता है, दोस्तों से और दुनिया से मशवरा करता है कि मानो ना मानो, और अगर वहां से हुक्म आता है कि नहीं मानना और नहीं मानता, तो फिर ये बेअदब है कि नहीं है,
ये गुस्ताख है या नहीं है, ये नाफरमान है या नहीं है, तो हम कौन हैं अपने बारे में फैसला करें? क्या कार्टून बनाना ही बेअदबी है? क्या नबी करीम को गाली बकना ही बेअदबी है? क्या इसमें बेअदबी का कोई पहलू नहीं? आपने खुद अभी कहा है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाना, हम कहना ना माना, ये कोई बेअदबी नहीं है। और ऐसा बेअदब और गुस्ताख आदमी हो और फिर ये कहे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है, इससे बड़ा ड्रामा और क्या होगा भाई? बिल्कुल ऐसे जैसे ये नाफरमान बेटा कहे कोई बात ना माने, ना पसंद, ना पसंद का कोई ख्याल ना करे, और कहे कि अब्बा जान आपके लिए तो जान कुर्बान, महल कुर्बान, बीवी बच्चा कुर्बान। बाप कहेगा बेटा ये कहते हैं कि क्या जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? देखें फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में जनाजे में सूरह फातिहा कुरान नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वही जो तरतीब है कि सना, फिर इसके बाद मैयत के लिए, फिर दुरूद पाक और फिर मैयत के लिए दुआ, बस इतना होता है। फातिहा फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में शरण जायज़ नहीं है। ये कहते हैं कि क्या छोटे बच्चों को माँ बाप दादा दादी की कब्र पर ले जाना जायज़ है? 4 साल 5 साल उन्होंने लिखा कि इस तरह के बच्चों को, देखें जायज़ तो है, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं, लेकिन ये देखें कि बच्चे पे कोई मनफी असर तो नहीं आ रहा, वो खौफजदा तो नहीं हो जाएगा वहाँ से? अगर नहीं होता, नफसियाती तौर पे कोई डर या खौफ उसके दिल में ना बैठ जाए, इसका ख्याल करके फिर आप ले जाएं तो कोई मसला नहीं है। बच्चों का कब्रिस्तान में जाना मना नहीं होता, लेकिन यूँ ना करें कि आप फातिहा पढ़ने खड़े हो गए, बच्चों को छोड़ दिया, वो कब्रों पर चढ़ रहे हैं, चीख रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसी मजाक ठट्टा कर रहे हैं, फिर ना लेकर जाएँ खुदा रा, ये आपके बच्चों की भी आखिरत बर्बाद होगी। गुना तो आप पर आएगा क्योंकि बच्चे तो अभी मुकल्लफ हैं नहीं, लेकिन वो इसी को फिर ये आदत पुख्ता होती जाती है, और बालिग हो जाने के बाद फिर आप ये देखें, हम जनाजों में शिरकत करके देख लीजिए, आप आपने देखा भी होगा, जवान जवान लड़के हैं, कोई इस कब्र पर बैठ जाएगा, कोई उस पर, आप पीछे खड़े होकर हंसी मजाक ठट्टा कर रहे होंगे, यहाँ पर कब्र में मुर्दा दफन हो रहा है, तो ये शुरू से तरबियत नहीं होती, इस वजह से ऐसे होता है। तो बहरहाल ले जा सकते हैं, लेकिन जो हमारी तलकीनात हैं और गुजारिशात हैं उसके मुताबिक। एक इन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर मर्द या औरत ख्वाब में जिस्मानी ताल्लुक कायम होते देखें, फिर आँख खुल जाए, लेकिन कोई डिस्चार्जिंग वगैरह ना हुई हो, तो गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा? देखें इससे गुस्ल वाजिब नहीं होगा, शर्त ये होती है एहतलाम के अंदर, नाइट फॉल जो होता है इसमें शर्त ये होती है कि आप जागें तो कपड़ों पर तरी देखें, गीलापन देखेंगे और उसके मादे मनविया होने का यकीन होता है, तो फिर आप पर गुस्ल वाजिब होगा। अगर लाख आपको ख्वाब याद हों, बल्कि डिस्चार्जिंग भी याद हो, लेकिन सुबह उठकर आपने देखा तो कोई निशान नज़र नहीं आया, तो ऐसी सूरत में ना गुस्ल वाजिब होगा ना आप नापाक कहलाएंगे।